الله أكبر الله أكبر. अल्लाह के साथ कुफर पे खड़े हैं, शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको कलमा नसीब किया। फिर 2 अरब में से 80% लोगों का कलमे का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह पहला हिस्सा नाकाम है। रब को रब मान के खुशी के वक़्त भी अपनी मर्जी करते हैं और जब कोई तकलीफ या गम आए तो तब भी रब का दर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, फिसल जाते हैं। अल्लाह का शुक्र करें कि अगर अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा नसीब किया है और फिर इस कलमे के ऊपर आपको खालिस अकीदा दिया है कि आप अपने दुख, अपने सुख, अपनी खुशी, अपनी गमी इन मौक़ों पे अपने रब को याद रखते हैं। बहादुर शाह जफर दुनिया का ऐसा बादशाह है कि जिसने आसाइश भी बड़ी देखी है और दुख भी बड़े देखे। बादशाहत जब छिनी, औलाद छिन गई और 12 बेटों के सर हाट पाट में रख के सामने पेश किए गए खाने में, और मौत के वक़्त तक तड़पता रहा कि मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए बाहर की दुनिया दिखा दें कि सूरज की रोशनी क्या होती। इस आदमी ने इस दोहरे पहलू देख के जो बात कही थी पूरी जिंदगी का खुलासा है। जफर, उसे मत जानिएगा साहिब फहम व ज़का। जफर, उसे मत जानिएगा साहिब फहम व ज़का। वो बंदा अकलमंद नहीं है, उस बंदे में बंदगी नहीं है, उसमें दानाई नहीं है। कौन? जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहे। आप और मैं जब खुश होते हैं तो रब याद नहीं रहता, और जब गुस्से में होते हैं तो हमें फिर अल्लाह का खौफ नहीं होता। मैं इस महदूद मुलाकात के अंदर एक बशर होने के नाते, इंसान होने के नाते, सैकड़ों कमियों, कोताहियों और ख़ताओं का मजमूआ होते हुए सबसे पहले अपने आप से मुखातब हूँ और फिर अपने अहबाब से मुखातब हूँ कि अभी भी ज़िंदगी बाकी है, अभी मौका बाकी है, सांसें चल रही हैं, बूढ़े हो गए हैं तो कोई बात नहीं, जवानी का पूरा जौवन है, और तूफान, सुनामी, सिलाब बन के आपको इतनी ताकत दे चुका है कि आप दुनिया को बहा के रख दें तो अभी भी मौका है, सोचा जा सकता है। और अगर बचपन में है तो फख्र फिर भी नहीं करें कि उम्र का कोई पता नहीं, बड़े बड़े छोटे फूल मुरझा गए। बंदा कैसे बना जाएगा? या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इंसानों, बंदे बन जाओ। हमने कलमा पढ़ के बंदगी को कबूल तो कर लिया, अकीदे के सही होने का दावा भी कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम जहां खड़ी है वहीं पे खड़ी है, वो है कि गुफ्तार के गाजी किरदार के गाजी नहीं बन सके। बात करें तो हमसे अच्छा कोई नहीं, अमल देखें तो हमसे बुरा कोई नहीं। इस मकसद के लिए पहला काम सहीहुल बुखारी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया के अंबिया के बाद सबसे दबंग, ताकतवर, कुव्वत वाले, हौसले वाले, हिम्मत और दानाई वाले, समझदार, वक्त के हाकिम, अमीरुल मोमिनीन जनाबे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने 2 सुपर पावरों के घुटने टेक के रखवा दिए, वो इस हदीस के रावी हैं।
इस रिवायत को मामूली मत समझा जाए, लिखी होती है, पढ़ी होती है, सुनी होती है, सुनाई होती है, मगर बुनियाद यहीं पे टेढ़ी होती है। और वो रिवायत है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये जुमले आप सबको याद भी होंगे तकरीबन, अगर नहीं है तो बतौर तबर्रुक, बतौर ईमान और बतौर बंदगी ये जुमले भी याद कर लें, जैसे आपने नारे याद किए हुए। इन्नमल, बोलिए, एडे शर्मीले लगते तो नहीं लेकिन जिन्हें बन के बह गए, इन्नमल अमालु बिन नियात। अमल में सोना भी लेके आ, अगर तेरी नीयत ठीक नहीं तो मट्टी बन गया। नीयत दुरुस्त है, कख लेके आ जा, लख बना देंगे। लिहाजा पहले ये तायुन करिए कि मैं किस नीयत से जी रहा हूं, मेरी नीयत क्या है। आपकी मेन रोड के ऊपर गुजरने वाले ट्रकों के पीछे ये जुमला बड़ा कीमती है, मगर छोटा हो गया क्योंकि ट्रकों के पीछे लिखा हुआ है, हालांकि वो सही उल बुखारी की इसी हदीस का तर्जमा है, नहीं वस दे कर बदनिश्तंद। आपको रब ने एक मां के पेट का घर दिया, रब की रहमतों से पैदा होके इस दुनिया में आ गए। दूसरा घर आपका ददियाली था जहां आपने आंख खोली, तीसरा ननियाली है, और चौथा घर आपका ससुराली है। ये सबको नहीं मिलते। इसके साथ पांचवां घर आपका अल्लाह का बनाया हुआ घर है, और छठा घर आपका कब्र है, सातवां घर उसके बाद फैसले के बाद या जन्नत है या जहन्नम। नहीं वसदे कर बदनिश्ता में। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो आप अपने बड़ों के कदरदान बनेंगे, दादा अबू और दादी अम्मी, ताया जान और ताई अम्मा, चचा जान और चची अम्मा, ये जो रिश्ते हैं, इसी तरह मेरी फूफी और मेरे फूफा जान, मां की तरफ से ननिहाली खानदान में नाना अबू और नानी अम्मा, मेरे मामू और मेरी ममानियां, मेरी खालाएं और मेरे खालू, और ससुराली रिश्तों में मेरे बड़े सुसर अबू और सासू अम्मा, फिर इसके साथ मेरी घरवाली के भाई, मेरे साले और बहने सालियां। अगर मेरी नीयत दुरुस्त है तो ये इंसान इस जहान के अजीम तर लोग हैं जो मेरी पहचान है। जिस दिन मेरी नीयत में बट्टा आया और खलल आया, समझ लीजिए कि फिर इनमें से मुझे कोई बंदा नजर नहीं आएगा, और मैं अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझूंगा। अरश से आवाज आती है, या अय्युहन्ना सुबुदु, इंसान बंदा बन। कलमा पड़ा है, या अय्युहल्लदीना आमनू आमिनू, मोमिन बना है तो मोमिन बन के दिखा, अमन कर जरा। हमसे अमन इसलिए नहीं हो रहा कि हमारी नीयत में खलल होता है। बाप की जब तक जरूरत है ठीक है, जिदन अब्बे ने भी नहीं भी की थी ना, मैंने साइड से कर देना, हमारी नीयत में पहले ही ये बात होती है। चचों से जब तक मफाद है ठीक है, और चचा ये सोच के बैठा है जब तक भतीजों से मफाद है ठीक है, नहीं ये कौन तो मैं कौन। शौहर ये सोच के शादी कर रहा है कि जब तक चली चली, नहीं तो तड़ाक तड़ाक तलाक तलाक फारिग करेंगे। और औरत ये सोच के मैदान में उतरी हुई है कि जो चार दिन है, जमीन पहली दौलत मालो मता ठीक है, नहीं तो खुला लेके दुनिया और बड़ी पड़ी है। हर बंदा अपनी नीयत का दाव कहीं लगा के बैठा है। फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात। इस हदीस के पीछे एक बहुत बड़ा आमिल था, मक्के का नौजवान है और मक्के की औरत है, जौबन भी है, जवानी भी है, हुसन और जमाल भी है, कमाल की मोहब्बत भी है, दोनों की अलैक सलैक भी है। लड़के ने शादी का बोला, लड़की ने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं तो मक्के में नहीं रह रही।
कहा तेरे बगैर जीना मुश्किल। कहा अगर इतना ही मुहिब है तो मैं हिजरत कर रही हूँ, तू भी हिजरत कर। इस दुनिया में सबसे बड़ा अमल अल्लाह ने हिजरत रखा है कि बंदा दीन के लिए दुनिया को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, अपने खून को, जन्मभूमि को, अपनी मट्टी, अपनी धरती, अपनी सरजमीन को, अपने अबाओ अजदाद के घर बार को, कारोबार को, खुली दुकानों को, मार्केटों को छोड़ के सिर्फ इसलिए चला जाए कि उसे अपना दीन प्यारा है। हिजरत से बड़ा रब ने अमल कोई नहीं रखा। मक्का छोड़ता हूँ, मदीने जाता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ तो इस लड़की के साथ शादी जो है ना वो हो जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वा इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, बंदे ने जो सोचा है वही मिलेगा, वही मिलेगा। फमन कानत हिजरत हु इलल्लाहि व रसूली, जिसने हिजरत रब की रजा के लिए पैगंबर की सुन्नत पे अमल करते हुए की है, फा हिजरत हुई लल्लाहि व रसूलही, उसका अजर पड़ गया है, रब ने उसके इखलास को कबूल कर लिया है और मोहम्मद रसूल सल्लम से इस प्यार को आपने कबूल कर लिया है। और जिसने किसी औरत के लिए या दुनिया को पाने के लिए शादी की है, फा हिजरत हु इला मा हाजरा इलैही, जिस मकसद के लिए आया है मुमकिन है वो मिले या ना मिले, दुनिया मिले या ना मिले, औरत मिले या ना मिले, लेकिन इसकी हिजरत भी बर्बाद हो गई। तो आइए आप और मैं सबसे पहले अपनी नीयतों के ऊपर नजर डालें। नीयतों का फतूर बंदे को कहीं का नहीं रहने देता। अगर नीयत में फतूर आ गया तो आइए मैं थोड़ा सीन दिखाऊं। आपने उलमा से यह हदीस बारहा सुनी है, सही हदीस है। कयामत के दिन जब फैसले हो रहे होंगे कि किसको घर के तौर पे जहन्नम मिलनी है, किसे जन्नत मिलनी है, आइए नीयत को बदलिए, सोच को बदलिए, तजदीद नीयत कीजिए। अगर नीयत गलत हो गई है तो बड़ी बात नहीं, नीयत की तजदीद हो सकती है। अंजाम सुनिए बदनीयत का। ये जन्नत पाने का इरादा रखता था लेकिन नीयत में खलल आ गया। पहली चीज, ये बंदा मुजाहिद है, शहीद होके आया है, शहादत बड़ा अहम रुतबा है। ये बंदा सखी है, पूरी दौलत दुनिया लगा के आया है, जेब से पैसा निकालना मुश्किल मगर ये देता आया गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों को। और दुनिया का सबसे भारी काम किताबुल्लाह के साथ ताल्लुक रखना है, दुनिया का सबसे भारी काम। आप 4 एकड़ हल चला लें, उतनी थकावट नहीं होती जितना एक पारा याद करने में, हिफ्ज़ करने में या उसको बैठ के पढ़ने में होता है। 1 घंटा जुमे का मिंबर पे खड़े होके, एसी माहौल में खड़े होके जितना थका देता है, चकनाचूर कर देता है। हमने बैलों के साथ हल चला करके देखा, उतनी थकावट वहां नहीं होती। ये इतना मुश्किल काम है, जिंदगी भर की रियाजत लगती है, लहू लगता है। कयामत के दिन रब ने जहन्नम का इफ्तिताह न नमरूद से करवाया, न हमान, न कारून से, न फिरौन, न अबू जहल से, न अबू लहब, न उतबा, न शैबा से। कहा इन तीनों को बुलाओ पहले। आए, हाँ भाई क्या लेके आया? अल्लाह मैं कुरान का हाफिज, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, के फजाइल लेके मेरे बाप को ताज पहनाया जाए। मैंने हिफ्ज किया, मैंने हिफ्ज करवाया, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ाया, मैं खुद कारी, मैं अलमुकरी, मैंने हिस्से लिए, मैंने किरातों में, हुस्ने किरात में बड़े बड़े टाइटल जीते, मैं इंटरनेशनल लेवल का कारी। कहा झूठे झूठ बोल रहा है, तेरी नीयत कुछ और थी, तेरी नीयत थी बल्ले बल्ले, तेरी नीयत थी वाह वाह, तेरी नीयत थी कि लोग हाथों हाथ लें। इस झूठे को पकड़ो, जकड़ो और जहन्नम में फेंको। आओ सखी साहब, आप आइए, जनाब मैं सब लगा के आया। कहा झूठे, तेरी नीयत ये थी कि बल्ले बल्ले हो, लोग कहें क्या बात है, कतबे लगे, तेरे स्टेटस लगे, तेरी तस्वीरें लगे और दुनिया कहे बड़ा माल, बड़ी दौलत, बड़ा खर्च, बड़ा दिल, तू भी आ जा। गर्दन कटवा के आया हूं, खून बह रहा है, हथेली पे मेरा सर है। कहा बदनीयत है, तू इसलिए लड़ा था और शहीद हुआ था, हालांकि खून का पहला कतरा जमीन पे नहीं गिरता, अल्लाह शहीद को मुआफ कर देते हैं, जन्नत दे देते हैं, मगर इसे नहीं मिली। नीयत का फतूर,
कहा इसलिए लड़ा था कि लोग बहादुर कहें, दलेर कहें, शेर कहें, गाजी कहें, मुजाहिद कहें। फकद कील, वो कह दिया गया तेरा सिला दुनिया में था, आज तेरे लिए जन्नत में कुछ नहीं है, जहन्नम है। हजरात कितना खौफनाक मंजर है। ये है वो बुनियाद जहां से हम मार खा रहे हैं। अकीदा भी ठीक है, कलमा भी मौजूद है, उम्मती भी मोहम्मद रसूल सल्लम के हैं, कुरान पढ़ते और पढ़ाते भी हैं, खर्च भी करते हैं, जिहाद के लिए तन मन धन भी कुर्बान करते हैं, लेकिन मार जहां से आके खाते हैं कि आपस के मामलात और रब के मामलात में हमारी नीयतें साफ नहीं होती, ये फतूर हमें ले डूबता है। लिहाजा आज की इस गुफ्तगू की दावत यह है कि नीयत बदलो, इरादे बदलो, सोच और विचार बदलो। सोच बदलोगे तो रब कीमती कर देगा। यह भी मैं सीन दिखाने लगा हूं। दो कुम्हार है, नौजवान है, शादी हो गई तो एफिशिएंसी अब ही आ जाती है। बंदा ना अपने को वध के दसन लगता कि मैं आवा ड्राइवर होएगा तो कार ते नाल बैठा हुए जी ते कट्टा मारू आ वो बड़ी ड्राइविंग है मेरी। दर्जी अपना आप दसू, बहरहाल इसने भी अपने पाँव तेज चलाने शुरू किए, हाथ मार ऐसे दिखा। बेगम बोली, कहन लगी सरताज एक गल पूछा। लगे जी गुस्सा तो नहीं करोगे? कहन लगे नहीं, बिस्मिल्ला जी अख। शुरू शुरू के दिनों ही सानू ओवर प्यार आन दिया जी। फरमाओ, कहो ये की बनाण डया। अगर कुछ दिन गुजर गए होते, शादी पुरानी होती, तो जवाब कुछ और होना था। अन्नी है, दिसदा नहीं जी। मैं बिस्मिल्ला आखा, मैं चिलमा बनाण डया। दूसरा सवाल, क्यों बनाते हो चिलम, क्यों बनाते हो? कहता है मार्केट में मेरा नाम है, मंडी है, मेरी चिलमें जाती हैं, दुनिया हुक्का खींचती है, मजा करती है, ना है तेरे बंदे का। कहन लगी मैं तुहाड़ियां चिलमां नूं की करा, मैं तो हुक्का पींदी नहीं, ते तुहाडे इस फन दा मैनू की फायदा होया? एक गल कह मनोगे? कहन लगा जी कि यही तुसी अगर सुराई बनाओ या घड़ा बनाओ तो मैं भी पानी ठंडा पी लिया करांगी। ते हुक्का पीण वाले लोग तो थोड़े ने, चिलम इस्तेमाल करने वाले तो थोड़े हैं, पानी तो सबको पीना होता है, तेरी मार्केट भी बढ़ जाएगी, सामान भी ज्यादा फरोख्त होगा। कुम्हार मन गया, मन गया। वही मट्टी है, वही डो है, वही चक्का है, वही हाथ है। नीयत बदली है, सोच बदली है, तो अमल भी बदल गया है। अब पहले चिलम बना रहा था, उस पे दो थपेड़े मारे, उसको फिर मट्टी का ढेर बना दिया, नए सिरे से उठान उठाई और गुलाइयां काटी, तो ये सुराही बन गई। जब सुराही बन गई तो वो मट्टी बोली। मिट्टी बोल दी, दुनिया की हर शय बोल दी है, जे सुनन लिया सलाहियत आउण ते, सुनन दियाँ सलाहियत होन, दुनिया की हर शय बोल दी। कार नए मॉडल की हो, मालक माठा हो, उजाड़ी होवे, रगड़ी होवे, ठोकी होवे, मूँह तो नहीं बोलती, जुबान तो नहीं, लेकिन दस दी है कि मेरे मालका ने मेरे नाल चंगी नहीं की थी। डंगर दस देने, मूँह तो नहीं बोलते, लेकिन उन्हां दी हालत दस दी। कपड़े बताते हैं कि मुझे पहनने वाला कैसे है। एक एक चीज दुनिया की बोलती है। मट्टी बोली, जुबाने मकाल तो नहीं थी, जुबाने हाल से बोली। कुम्हारा तेरे तू सदके जावा, सोच बदली नाल ही। पहले चिलम बनाउंदा से, मेरे अंदर भी अग, मैं बाहरों भी गर्म, मैं अंदरों भी गर्म। सराई बनाया ही, मेरे अंदर पानी, मैं भी ठंडी तो पीण वाला भी ठंडा। तेरा जो आखिरी सातवां घर है ना फैसले का, इम्मा जन्नतुन व इम्मा नार, सोच बदल। अगर यहां चिलम की आग और उसकी आग बर्तन और सोच बदलने से वो पानी के अंदर ठंडक में बदल गई है, तो दुनिया में सोच बदल, तेरा रब जहन्नम को जन्नत में बदल देगा और घरों की भी कैफियत तब्दील हो जाएगी। जेड़ा बंदा हर वेले तत्ता रवे तो सोच होवे मेरा रोब होना चाहिए, मैं भाजी टंग के रखना, तो पंजाबी च मैं तुन के रखना, मैं नहीं कभी वेखिया
आप घसोन फेरी देने आप डंडे सोटे ना रही दे। ये तूने घर को जहन्नम कदा बनाया हुआ है, इसे जन्नत नुमा भी बना सकता है। सोच बदल, रवैये बदल। तेरी गली, तेरा मोहल्ला, तेरा बाजार इंसानियत का नहीं बंदगी का वह इस वक्त मोहताज है। इंसान तो इस वक्त दुनिया में 8 अरब हैं, बंदे ढूंढने निकलो तो चंद निकलेंगे। सोच बदल के बंदा कीमती कैसे हो जाता है? रसूल सल्लम ने सोच बदली। ये जो इतने इतने खर्च करके गए थे और जहन्नम में गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इत्तकुन नार वलौ बिशिक्की तमरा। ये भी हदीस है रसूल सल्लम की। आप जहन्नम से अपने आप को बचा सकते हैं, ढाल बना सकते हैं, उसके लिए दुनिया का सारा मालो मता नहीं है, ना लगाएं। आप घर में थे 8 लोग, बाप है, बीवी है, माँ है, साथ में 6 बच्चे हैं। अफतारी का टाइम हो गया है, घर में कुछ नहीं है, रब का शिकवा नहीं है, एक खजूर है, छुरी लेके उसको काट के छोटी छोटी कलाशें बना के 8 टुकड़े करके सबके हाथ पे रख दिया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और अफतारी करो। एक आधा मिनट रहता था दरवाजे पे, दस्त कोई आवाज आई, रोजे से हूं, अफतारी करा छो। अंदर से इंसानियत निकली, हैवानियत नहीं। ये नहीं आख्या असी जेड़ियां खीरा खाण डे आ तू भी खा ला, जेड़े जाम असी पीण डे ना तू भी पी ला, एक अगे कुछ नहीं एक तू मंगना। इनका बड़ा उठा और इसने दरवाजे पे जाके मोहब्बत के साथ वो जो खजूर के 8वें हिस्से की एक कलाश या एक कतर इसके हाथ में थी, इन्हें उन्हों अध चुक काट के हमें 2 हिस्से करके खजूर की एक छिक उसके हाथ पे रखी। ले वीरे तू भी खोल ले रोजा, अल्लाह दे रिजक ते मैं भी खोलना, और अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह का शुक्र किया कि रगें ताज़ी हो गई हैं, भूख मिट गई है, ज़हब ज़मा व तल्लत लुरूक व थबत अजर, इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो अजर मिले गई। नीयत है सिर्फ कि अल्लाह तूने अजर देना है। मेरे पास जो था मैंने ना नहीं की, मैंने तेरा शिकवा नहीं किया, अल्लाह जो मुयस्सर था मैंने उसमें से दिया है, कबूल करना। रसूल सल्लम ने फरमाया कल कयामत के दिन आएगा, इसके सामने वो खजूर का छोटा सा पीस जो इसने 8वें हिस्से में से भी अदा करके उसको एक टुकड़े के तौर पे दिया था, अल्लाह इसके और जहन्नम के दरमियान उस खजूर के टुकड़े को ढाल बना देंगे। ये है कीमत, ये है वैल्यू, ये है इज्जत, ये है इंसानियत, ये है आबरू। अगर नीयत दुरुस्त है, सोच दुरुस्त है, बिस्मिल्लाह नहीं है तो तजदीद नीयत कीजिए, बदलिए अपनी नीयत को, मेरा रब कीमती कर देगा। नीयत ही बदली थी ना जनाबे बिलाल ने, जनाबे खुबैब ने, जनाबे सुहैब ने, नीयत ही बदली थी। और ये नीयतें उन्हें कहां से कहां ले गई, रदी अल्लाह अनहुम व रदू अन। सिर्फ एक नीयत बदली है, इरादा बदला है, सोच बदली है, फिक्र बदली है, ख्याल बदला है, अकीदा बदला है, अकीदत बदली है। मेरे रब ने बदले में मेराज करवा के मोहम्मद रसूलुल्लाह को वहां जन्नत की सैर करवा के किसी के कदमों की चाप सुनवा के बता दिया कि तेरा बिलाल है, चलता जमीन पे है, और उसके कदमों की चाप हमने हूरों की लोरी बना डाली। दूसरी चीज, अगर आपकी सोच गलत थी और आपने तजदीद कर ली है तो बिस्मिल्लाह पढ़िए। सबसे पहले हुकूकुल इबाद के ऊपर नजर रखिए। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद में सिर्फ एक रिवायत आपके लिए काफी और मेरे लिए काफी है इस्लाह के लिए। मन लम युअक्किर कबीराना, मन लम यरहम सगीराना व लम युअक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना। ये है असल में टेढ़ी बुनियाद जहां से हम मार खाते हैं। तवज्जो थोड़ी जी खिंच के जरा उरे नु करो, मैं कहिंदा नहीं हुंदा, लेकिन जो कौम, जो गांव, जो पिंड, जो गली, जो मोहल्ला, जो घर, उस घर के अंदर बड़े छोटों पर रहम नहीं करते और छोटे बड़ों की कदरदानी नहीं करते, फलैसा मिन्ना, ये मेरे उम्मती नहीं हो सकते। वहाबी होंगे, सुन्नी होंगे, देवबंदी होंगे, शिया होंगे, कुछ और होंगे, पर मेरे नहीं है।
आज इस वक्त आलम इस्लाम में बिलउमूम और पाकिस्तान में बिलखसूस सबसे बड़ा खौफनाक जो हम तूफान बदतमीजी देख रहे हैं कि छोटों से प्यार खत्म होता जा रहा है और बड़ों का वकार खत्म होता जा रहा है। मैंने इससे खौफनाक चीज कोई नहीं देखी। अवाम बोलती है तो हुक्मरानों को रगड़ के रख देती है, हालांकि हुक्मरानों की कदर होती है। देखिए ना, जब आप कहते हैं अमीर उल मोमिनीन जनाब उमर तो नजरें अदब से झुक जाती हैं। सिद्दीक अकबर आप नाम लेते हैं, अमीर उल मोमिनीन निगाहें अदब से झुकती हैं। उन्होंने हक अदा किए थे बड़ों ने छोटों पे रहमो करम के, और छोटों ने भी प्यार की अदाएं दिखा दी थी। उस्ताज का नाम सुनते ही वजूद के ऊपर एक रोब, एक दबदबा, एक इज्जत, एक हैबत, एक खौफ, एक प्यार, एक एहतराम का रिश्ता जागता है। लेकिन आज का तालब इलम अपने उस्ताज के बारे में घटिया बोल बोल के फख्र महसूस करता है कि मैं चौधरियों का मुंडा, मैं उस्तादानों की समय। चौधरियों को भी छोड़ें, आम बच्चे से भी पूछें, हाँ भाई कैसा है तेरा स्टाफ, कहिंदा जी पूरा स्टाफ ही हमें पढ़ाई है। स्टाफ असातिज़ा हैं तेरे, केड़े स्कूले पढ़े हैं, खोती स्कूल है, यानी लबो लहजे ही गलत है। और टीचर से पूछ ले कि बच्चे कैसे हैं, स्टफ कैसा है, बड़ा कटिया जया जी, हमें फजूल जया। ना स्टफ माठा होता है ना स्टाफ माठा होता है, तेरे मेरे मामलात और रवैये और कुछ चीजें गलत होती। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। हमने दिल के रिश्ते छोड़ दिए, नाम के रिश्ते रह गए। सुनिए, सबसे बड़ा कसूर इस मुआशरे के अंदर बंदगी को प्रमोट नहीं किया गया, परवान नहीं चढ़ाया गया, गिराया गया, जूते मारे गए। और ये मारे हैं मेरे बड़ों ने, कल को मैंने भी बड़ा होना है, छोटू ने भी बड़ा होना है। हूँ जरा वड्डे मेरे वालों सीधे होवो, जिथे गुस्सा आवे उथे अपने ते कढ़िया जाए, जिथे प्यार आवे उथे मेरे ते। जी उसके बाद छोटों की बारी आएगी। मेरे को ना एक दादा अबू अपने पोते नू लैके आ गए, जिन्होंने सारी जिंदगी माँ प्यो ने औलाद नाल प्यार नहीं ना करके वेख्या हुंदा, मेरा रब कढ़ा लैंदा, आने वाली नवं फिर कढ़ा लैंदियां, पहले मुंडे नू बाहर खड़ा के लिया फिर रोटी लभू, बाहर बैठा गोच कहिंदा अल्लाह काका अल्लाह काका, नाले नाले गुस्सा नहीं। ये पोते नू दम तो कर दे। मैं क्या की होया, कहिंदा जिद्दल बड़ा तो फकड़ तोलदा। मैं क्या बाबा जी इनू घर छड़ा, दम तुहानू आना है। कहिंदे लै चंगा डाक्टर हाँ, दाड़ किसी की दुख की पट्टन किसी की लगा, फकड़ ये तोलदा, गाला ये कढ़दा, इलाज मेरा करन लगा। मैं क्या छड़ के तो आओ, सही ना हो तो मैनू क्या जे। बैठ गया, मैंने कहा बाबा जी ए जेड़े भांडे च सालन पाते जे तुहाडे, हाँ उन्हूं की कहिंदे ने, कहिंदे लै सवाल चना जवाब गंदम, सवाल गंदम जवाब चना। मैं आख्या मुंडा जिद करदा, नाले गालां कढ़दा, फकड़ तोलदा, तू मैनू पुछण डिया सालन किहदे च पाउंदे। मैं क्या गुस्सा नहीं करो, दो मिनट लई मेरे नाल ते टुरो ना, जे सही ना होवे तो मैनू दस्या जे। कहिंदे असीं कौली कहिंदे आ। मैं क्या कोई दूजा ना, कहिंदा मेरी एक कुड़ी बहौलपुर व्याही है, वह इनू कटोरी सद्दे ने, खानपुर कटोरा, कटोरी या कटोरा। एक दी शादी मुजफ्फरगढ़ हुई है, मुंगरी सद्दे ने, अब मुंगर भरी है सालन दा, मुंगरी गिन। साडे कुछ रिश्तेदार ने कसूर अल, वह इनू छन्नी आंदे ने, छन्नी ते छन्ना। कुछ लोग इनू प्याली भी कह लेंदे ने। मैं क्या तेरे बच्चे जीवन, अल्लाह तेरी जिंदगी च बरकत पावे, तेरे बुढ़ापे नू अल्लाह होर वकार दवे, एवें ही है। मैं गिलास फड़िया तो मैं क्या जी इनू की आंदे ने, कहिंदे पोते नू गिलास ही आंदे ने। मैं क्या कोई दूजा ना, कहिंदे मैं तो नहीं पता। मैं क्या उम्र इन्नी हो गई है, 70 साल की उम्र तुहाडी हो चली है, तुहानू पता ही नहीं इनू की आंदे ने। कहिंदे कसम चुका लै भाई, मैनू कसम वाली गल है, मैं नहीं पता इनू गिलास ही आखीदा। मैं क्या वह बहावलपुर वाले की आंदे ने, कहिंदे गिलास, मुजफ्फरगढ़ वाले गिलास, कसूर वाले गिलास। तुहाडे कोई दूजा ना हो तो मैनू दस्या जाए, क्योंकि हमने सुना नहीं बड़ों से कुछ और, उन्होंने गिलास बोला तो हमने गिलास कहा,
नाम ज्यादा दिए छन्नी बोला तो हमने छन्नी बोला, कौली कहा तो कौली बोला, मुंगरी रखा तो मुंगरी बोला, कटोरी कहने लगे तो कटोरी बोला। अरे इस दुनिया में बच्चा 1.5 साल चुप रह के अपने बड़ों को सुनता है कि घर वाले बोलते क्या हैं, जो वो बोल रहे होते हैं वही वापस करता है। जे एडे फकड़ कड्डे जे तो बच्चे ने सुने ना, तो बाबा जी जो उदू कढ़ते सी उदू कित्थे सजे, ये दम तुहानू होना है, तुसी कढ़े ने तो तुहाडी औलाद ने सुने ने, औलाद ने कढ़े ने तो अगू दोत ने सुने ने। कहिंदा प्रोफेसर गल तो वैसे सच्ची है, सामने कट्टा आया तो उहदी मां भैण एक करती, जे बकरी इधर उधर होई तो उहनू नचा दिता, तो है तो मेरे वाली ही गल्लां कोई नवी गलत नहीं कढ़दा, उही कढ़दा जिहड़ियां मैं कहा जेदो ने कित्थों सिखी है। दुनिया में वाहिद सॉफ्टवेयर है कि जो उम्र के साथ साथ बेहतरीन होता जा रहा है, हर शह बुढ़ी होंदी जाती है, लेकिन जिद करन वाला, रोण वाला, आकड़न वाला, जिमें जिमें बंदा बचपन से बड़ा होता जाता है ज़्यादा जिद्दी, बाबा हो जाए और जिद्दी, गल नहीं मननी। क्या मजाल है बेटे कहते रहे, एक बुजुर्ग हैं उनको कहा गया, बेटे ने कहा 1994 में बोला कि बाबा जी इतनी जमीन है कुछ बेच के मुझे आप दें, मैं आपको मरले ले देता हूं, 10 साल के बाद आपके इन मुरब्बों से रेट डबल हो जाएगा। पुत्र एकड़ बेच के मरले नहीं ले दे, तो 2014 जान के उसे पुत नूं कहिंदा ओ यार कोई इत्थे वेखे ना, कोई 2-4 मरले लभ दे नहीं, वो बेच के क्या जी, वो सारी भी बेच लो तो एक मरला नहीं आना। कल नूं मन्ने तो की मन्ने, अपने बच्चों की माने सुने, जिद नहीं करें, अकड़े नहीं, बच्चों पे रहम करें। मल्लम यरहम सगीराना, दुनिया में जितना इनकिता है, जितनी जंगे, जितनी लड़ाइयां हैं, जितने झगड़े, जितने फड्डे हैं, जितनी तलाकें, और जिस कदर आज खुले हैं, इसके पीछे किसी ना किसी जगह ददियाल, ननियाल, ससुराल में बड़ों का हाथ होता है। छोटे बसना भी चाहें तो हम बसने नहीं देते, अपनी कीड़े पूरी करते हैं। और लफज सुनिए, रसूल सल्लम ने फरमाया, ये कलमा पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं, सही अकीदे वालों की बात कर रहा हूं, ये जुर्म वहाबियों में, देवबंदियों में, बरेलवियों में, शिया में, हर मसलक में पाया जा रहा है। कलमा अपनी जगह है, मगर तेरी मेरी जिद्दें, तेरी मेरी अनाएं, हम बच्चों से जिंदा मां बाप के बच्चे यतीम बना देते हैं। मां बाप मर जाए तो कब्र देख के हौसला हो जाता है, बाप भी जिंदा हो, मां भी जिंदा हो, दोनों में जंग हो, और इधर इस खानदान ने कहा पुत, ओ पुत, जी बाबा, ओ जन्नत रब ने मां दे कदमां च रखी, ओ बीवी दे नखरियां च नहीं रखी। ऐसा जहरीला जुमला है, ऐसा जहरीला, 2 नंबर धोखे वाला, दोरा में यार। अच्छा मुंडा ना थोड़ा जा नरम हो जाता, आहो यार जन्नत मां दे कदमां च मौलवी जी ने आख्या, बुढ़ी दे नखरियां च नहीं आगी। फिर अब्बा अगे थोड़ा जा तगड़ा हुंदा, ओ गल सुन, ओ बुढ़िया बड़िया इनू फर्क कर, मां दा लिहाज रख। घर में बैठा पोता सोच रहा होता है जेड़ी मेरे अब्बे दी बुढ़ी है तो मेरे प्यो दी मां है, ओदे ते कदमां च जन्नत है, तो जेड़ी मेरी मां है ओदे पैरां च छाले पए ने। ओए जन्नत मां के कदमों में है, बीवी के नखरों में नहीं। जेड़ी मेरे दादे दी बीवी है वह मेरा दादा, वो सारे नखरे सवे। तो मेरे अब्बे लिए कह दिया भी ये जन्नत कोई नहीं, तो मेरी मां की होया गुत्तू फड़ के हर दूजे दिन बार। मल्लम यरहम सगीराना, यहां रहम के रिश्ते, मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा सारी जिंदगी थक्के खाता रहता है, क्योंकि कहीं दादा अबू की जिद, कहीं नाना अबू की जिद, कहीं ताया जी की जिद, कहीं चचा जी की जिद, कहीं मामू की जिद। यही रिश्ते हैं ना जो हमें बड़े होकर के छोटों को रुसवा, छोटे बेचारे मुंह ही देखते रहते हैं ऐसे बदनाम, उन्हें माड़ी माड़ी गलते हो आराम दिया, और तेरी मां इदा दी सी, तेरा प्यो इदा दा, चल ये कौन कर रहा है? नमाज पढ़ने वाला, अल्लाहु अकबर कहने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द करने वाला, ला हौला वला कुव्वता की तस्बीहां निकालने वाला, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये राग अलापने वाला, तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरया, क्या फायदा हुआ? हमारे अंदर इंसान तो है, इंसानियत नहीं है, और इंसानियत अगर है तो बंदगी नहीं बची।
अपनी माँ भी प्यारी, अपनी बुढ़ी भी प्यारी, अपने बच्चे भी प्यारे, इन फारक कर चल शाबस, अल्लाह से डरो। या फिर घर टूटते हैं नए आने वाले जी से, यहां जरूर एक जुमला सुनिए, इबादतें बंधु के हक मार के तेरे कफारे पूरे नहीं करेंगे। जो बाहर से जी आया है इन्हें सानू जी तीली तीली करता, अड्डो अड करता, असी चंगे भले छज सा, एक दूजे नाल जुड़े सा, छज को जोड़ा गया था, मुसल्ली ने जोड़िया सी आंदरा नाल, आंदरा नाल किसे डंगर दी आंदरा लैके चीर के उन्हें छज जोड़ता, असी अपनियां ही आंदरा वक्रियां करके चीर फाड़ के ते ओह सिड़ती हैं। और फिर कहते हैं कि इन्हें वाई कर दे हो ना, एक पौधा एक जगह ते बड़ा खूबसूरत रुत कढ़न डिया, मचया मच मचाया सो, उन्हों उतों पुट के दूजी जगह ते लाओ, उवें ही टुरदा या कोई थोड़ी देर कमलाउंदा मुरझाउंदा, सिर सुट जांदा कि नहीं। 18 साल तेरी बेटी तेरे घर में रही है, इसको नई जगह जब जाना होगा तो इनू पुट के लाओगे, वो आदात, वो खसलतें, वो हालात, वो वाकयात, वो मोहब्बतें, वो प्यार, वो चाहतें, वो रगबतें, वो ज़रूरतें, सोचें मुख्तलिफ होती हैं, जगह मुख्तलिफ होती हैं, नई जगह पे लगा रहे हो, अजनबी जगह है, और पहले दिन ही उससे ये उम्मीद रखते हो कि वैसे हो जाए जैसे हम हैं, फर्क तो आएगा, रड़क तो पैनी है थोड़ी बहुत। एक दाना नया पाऊं में जूते के नीचे आ जाए महसूस होता है, इज्जड़ च एक बकरी नवी आ जाए पूरा इज्जड़ सिर चक्की खड़ा होता, हालात तो वही है बाबा जी, समझिए सासू मां, समझिए ताया अबू जी, बड़े हैं आप, मोहम्मद रसूल सल्लम ने कहा है चचा जी, मामू जी, खालू जी, खाला जी, आपके रवैयों की वजह से छोटे अपने रहम के रिश्ते खो देते हैं, और छोटो तुम्हारे रवैयों की वजह से बड़ों का वकार खत्म हो जाता है। ये नई आई है गल सुन, मेरा भाई ना अमेरिका चू टुर पिया, गड्डी कढ़ते शाबाश लाहौर एयरपोर्ट तू लैके आ, वो भी नीवा नीवा होकर टुर पैंदा जी, बिस्मिल्ला जिवें हुकम, ते अपने बंदे दा भरा दरवाजे ते आके बूआ खड़का के भी कवे तो बूआ नहीं खोलदी, तो मुंडिया नूं कहिंदी नहीं चुप रहो, ये तो रोज़ टुरे ने, इन्हां ते राह पाया, इन्हां गाह पाया है, वो अभी अमेरिका से चला है, इंग्लैंड से चला है, यूरोप से चला है, सऊदीया से चला है, दुबई से चला है, यहाँ फिक्रें लग गई हैं, अब बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, बच्चे नहीं देख रहे कि जब अम्मी का भाई आए तो माशाल्लाह बल्ले बल्ले तो लला लला, जे साडे अब्बे दा भरा आवे तो खले खले, ये सारे ही कंजर दल्ले, ये जुमले बनाए हैं घर में छोटू ने, बेटा जी सोच, अगर तेरी इज्जत बड़ों से है तो छोटू का लिहाज अदब एहतराम वो कहां पे है, तेरे भरावां दी इज्जत होवे तो साढ़े भरा भरा नहीं, तुहाडी खुरक एलर्जी तो साड़ी खारिश जिहड़ी ओह खुरक, तुहाडा कुत्ता टॉमी तो साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये बराबर का इतदाल कर, वगरना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तेरे क्याम, तेरे रुकू, तेरे सुजूद, तेरे तशाहुद, तेरे रोजे, तेरे उम्रे, तेरी हज, तेरी जकात तेरे मुंह पे मारी जाएगी। गर्मियां दी छुट्टियां हुई अल्लाह लोई, उधरों पता लगा फुफो आन डई है, सारे बच्चों सद के कहती है मां पुत कपत पूना आन डिया, जे इनू कोई दिल की गल ना दस्या जे, ये वेख्यो कि वेली आँदी तो जांदियां खोतियां वांगू लद के जाएगी, ये है ही इदा दी, ये जिनी दफा आई है घर च कपाती पे है। अब बच्चे पहले ही सोच रहे होते हैं कि ये जो फुफो आ रही है ना, फसाद की जड़ आ रही है।